देखो बेटा, कल की क्लास में हमने बात करी थी, डिस्कस किया था शुरू में बीएसटी के बारे में, बाइनरी सर्च ट्री। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। बीएसटी की फुल फॉर्म है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लेफ्ट वाली नोड होती है वो हमेशा लेस देन होती है रूट नोड के, और रूट नोड जो है वो राइट वाली नोड के लेस देन होती है, उससे छोटी होती है। ये हमारे पास बीएसटी में पैटर्न फॉलो होता है। डुप्लीकेट है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, कोई डुप्लीकेट नोड नहीं होगी इस तरह से। अब देखो, मान लिया हमारे पास कुछ, मैं आपको दे रहा हूँ वो नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको उससे बीएसटी बनाना। तो किस तरह से हम बनाएंगे, तो कल हमने वैसे सीखा था, थोड़ा सा एक रिवाइज करने के लिए। मान लिया मैंने कुछ नंबर लिखे, 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 30, ये नंबर है मान लिया। तो इन नंबर को से आपको एक बीएसटी बनाना। तो सबसे पहले जो नंबर आपके पास आएगा उस नंबर को आप रूट बना देंगे, जैसे 8 हमारे पास रूट बन गया। दूसरे नंबर पे ये आया 3, तो 3 बताओ किधर जाएगा, इससे लेफ्ट में या राइट में, क्योंकि ये हमारे पास अच्छा छोटा, तो लेफ्ट में जाएगा। तो 3 हो गया हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास 10, तो 10 हमारा राइट में चला जाएगा, इससे बड़ा है। फिर 1 आया, 1 यहाँ से ही देखेंगे 8 से छोटा है या बड़ा, तो छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। अब लेफ्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, 3 के भी लेफ्ट में आ जाएगा। सिक्स, सिक्स 8 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, तो इधर आ जाएगा 6। इसके बाद 14 है, 14 8 से भी बड़ा, 10 से भी बड़ा, तो 14 इधर आ जाएगा। इसके बाद है बेटा 4, तो 4 जो है रूट से ही चेक करना हमें हर बार। 8 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे, 3 से बड़ा है तो राइट में जाएंगे, फिर यहाँ पे 6 आ गया, 6 से छोटा तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे 4 इंसर्ट हो जाएगा। फिर 7 करना, तो 8 से छोटा है 3 पे आ गए, 3 से बड़ा है 6 पे आ गए, 6 से भी बड़ा है तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाने। इसके बाद बेटा 13 है, तो 13 बताओ कहाँ पर आएगा। 14 के लेफ्ट में। 14 के लेफ्ट में। 14 के लेफ्ट में, 8 से बड़ा, 10 से बड़ा, 14 से छोटा है, तो 14 के लेफ्ट में आ गया 13। इस तरह से हमारे पास ये एक बीएसटी बन गया। अब देखो, बीएसटी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो यही आ जाता है कि आप एक बीएसटी बनाओ, उसमें लेवल बताओ या उसकी हाइट बताओ कितनी होगी, या किसी पर्टिकुलर नोड की डेप्थ बता दो, किसी पर्टिकुलर नोड की हाइट बता दो। ठीक है, तो ये बताओ आप जो रूट नोड है उसकी डेप्थ कितनी होगी। पूनम पूछ रही थी शायद, रूट नोड होती है उसकी डेप्थ कितनी होगी 8 की। सर सर 0 है ये तो डेप्थ तो। 0 होगी, तो रूट नोड की जो हमारे पास रूट नोड है उसकी डेप्थ हमेशा 0 होती है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि रूट से उस पर्टिकुलर नोड तक कितने एजेस, तो रूट से रूट तक तो 0 ही एजेस हो, ठीक है, कोई एज है नहीं, तो उसकी 0। आपसे इससे पूछ लिया कि आप एक बाइनरी सर्च ट्री बताओ, बनाओ इससे बीएसटी बनने के बाद जो ट्री बनाओ उसमें 14 की हाइट कितनी होगी, तो 14 की हाइट कितनी होगी इसमें बताओ। वन होगी हाइट, होती है उप नोड से लीफ नोड तक, डीपेस्ट लीफ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन आते हैं टर्वर्सिंग, ठीक है, तो ट्री टर्वर्सिंग हम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। बीएसटी की नहीं, हम नॉर्मल ट्री की भी सीखेंगे।
कि ट्री ट्रवर्सिंग कैसे करी जाती है। ट्री जो हमारे पास बना है उस ट्री की नोड पे हमें ट्रवर्स करना, एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है, तो वो कैसे जाएंगे हम, तो वो हम सीखेंगे, या हमें विजिट करना होगा ट्री पे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं ट्री ट्रवर्सल। ठीक है, तो आप ये बताओ सबसे पहले कि ये हमारे पास बाइनरी ट्री है या नहीं, ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है या नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट बाइनरी ट्री और बीएसटी, इनमें से पहले सबसे पहला बाइनरी ट्री की कंडीशन फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, जीरो वन फुल बाइनरी है नहीं है, फुल बाइनरी। फुल क्या होता है? जो ऑड नंबर ऑफ नोड होते हैं। इसमें कितनी नोड है? सर है। खाली ओड होता है। सर फुल बाइनरी ट्री तो वही होता है ना जिसके जीरो और टू होते हैं। हाँ, जीरो टू चाइल्ड हो वो होता है। सर कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। ये हो गया कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं, क्यों? सर कंप्लीट भी है, लेफ्ट साइड से फिल होता चल रहा है। लास्ट लेवल पे। और परफेक्ट है? सर परफेक्ट नहीं, परफेक्ट नहीं है। अच्छा, बीएसटी? बीएसटी भी नहीं है सर। नहीं, तो बेटा इस तरह से हम ये देखेंगे। अब देखो ट्री ट्रवर्सल जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ट्री ट्रवर्सल हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप्स। पहला ट्रवर्सल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर, दूसरा होता है बेटा प्री ऑर्डर, तीसरा ट्रवर्सल होता है पोस्ट ऑर्डर, और फोर्थ ट्रवर्सल होता है लेबल ऑर्डर। ये 4 तरह के ट्रवर्सल होते हैं। ठीक है, जो लेबल ऑर्डर होता है उसी को हम बीएफएसपी बोलते हैं। तो बेटा देखो ये जो नाम रखे गए हैं ये नाम रूट नोड के अकॉर्डिंग रखे गए हैं कि रूट नोड की पोजीशन क्या होगी। इनका मतलब है बीच में होगी, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, जो हमारे पास रूट होगा उसकी पोजीशन। अब देखो यहाँ पर जो है रूट की पोजीशन के बारे में बात करी गई है, तो हमारे पास इन ऑर्डर जो होता है उसमें रूट बीच में होगा। ठीक है, इनका मतलब मिडिल में, लेफ्ट में उसके लेफ्ट आएगा और राइट में जो है राइट आएगा। पहले लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा, फिर राइट आएगा, इस तरह से ट्रवर्स होगा। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होता है, उसके बाद जो है लेफ्ट होता है, उसके बाद राइट होता है। आप पोस्ट ऑर्डर करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में जो है हमारे पास पहले जो है रूट पोस्ट में मतलब सबसे बाद में पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पर यूज होगा रूट का। लेवल ऑर्डर जो है ये लेवल बाय लेवल चलता है। ठीक है, इसमें रूट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लेवल का मतलब हमारे पास पहला लेवल, दूसरा लेवल, इस तरह से। तो इसको लेवल ऑर्डर को हम बीएफएसबी बोलते हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च या बेस्ट फर्स्ट ट्रवर्सल, इस तरह से काम करती है, यानी बेस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये लेवल बाय लेवल काम करती है। तो मेन हमारे पास ये 3 ट्रवर्सिंग है जो अलग तरह से, लेवल वाले तो नॉर्मली चलती है। तो देखो बेसिकली बेटा ये बताओ इनमें हमारे पास कॉमन चीज क्या हुई इन तीनों में, ये जो शुरू के 3 लिखे हमने, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर,
क्या कॉमन चीज है इनमें? यार ये लेफ्ट के बाद राइट आएगा, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट हमेशा राइट से पहले आएगा। सबसे मेन कॉमन चीज ये है कि लेफ्ट हमेशा कैसा भी ऑर्डर हो, कैसी भी ट्रेवर्सिंग हो, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट हमेशा पहले आता है राइट से, ठीक है। लेफ्ट नॉर ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट नॉर, ठीक है, किसी भी तरह की ट्रेवर्सिंग हम करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से काम करती है। अब देखो हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यही वाला ट्री है, इस पे हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, कैसे करेंगे, चारों ट्रेवर्सिंग सीखेंगे। नोट कर लिया ना सबने, किसी को करना हो बता देना। चलो देखो यहाँ पर हमारे पास था 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास एक ट्री है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है, राइट पार्ट में इस तरह से रूट को बीच में एस पूरा लिख देता हूं मैं और राइट एस। तो देखो लेफ्ट वाला हमें पहले चलना है, फिर रूट चलना, फिर राइट चलना। तो कैसे ट्रेवर्सिंग होगी, जैसे यहाँ पे गए रूट है तो रूट तो हमें चलना नहीं, पहले पहले हमें लेफ्ट जाना, तो इसके लेफ्ट में जाओ। अब ये जो लेफ्ट में आए, ये इस वाले सब ट्री के लिए तो रूट बन गया, तो रूट हम पहले नहीं चलेंगे, तो पहले हमें फिर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हमें सबसे पहले यहाँ पे मिला 4, इसके बाद में कोई नहीं, ये किसी का रूट नहीं है। तो हम सबसे पहले किस पे विजिट होगा, यहाँ पे 4 का होगा, ठीक है, तो 4 की ट्रेवर्सिंग सबसे पहले होगी। अब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद होना रूट, यानी इस 4 का रूट क्या है, 4 का रूट है 2। अब इस 2 का जो है राइट वाला विजिट होगा, राइट वाला क्या है 5, ठीक है, इस तरह से विजिट हो गया। इसके बाद अब देखो ये जो 1 था, इसके लेफ्ट का सारा चीज हो चुका है, अब ये रूट बच गया, ये रूट वाला हो जाएगा, फिर इसके राइट वाला यानी 3 हो जाएगा, इस तरह से विजिट हो गए। तो यहां से एंट्री करेंगे, लेफ्ट में जाते जाना, जब भी बिल्कुल एंड पे पहुंच जाओ लेफ्ट के, वहां से शुरू करना है, वहां से शुरू करके लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, ये प्रोसेस फॉलो करना। दूसरा हमारे पास जो है, अगर हम बात करें इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, तो प्री ऑर्डर में आपको बताया बेटा, सबसे पहले हमें रूट लिखना है, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट, ठीक है। तो रूट सबसे पहले लिखेंगे, यानी 1 यही रूट है, यही सबसे पहले आ गया। अब इसका लेफ्ट, लेफ्ट में ये है, इस ये वाला आ जाएगा रूट, ठीक है भाई, ये भी तो रूट बन रहा है इन दोनों के लिए। फिर इसके भी इसमें देखेंगे लेफ्ट में 4, ये कोई है ही नहीं, ये लेफ्ट वाला ही है इसका, तो 4 आ गया। फिर इसका राइट वाला, भाई ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो 5। ये वाला रूट आ चुका है हमारे पास, इसका लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसका राइट हो जाएगा 3। तो 1, 2, 4, 5, 3, ये हमारे पास आ गया। थर्ड नंबर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है होता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में बेटा पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, और सबसे बाद में रूट जाता है। तो बताओ क्या आएगा इसका, लेफ्ट में गए, बिल्कुल लेफ्ट में पहुंच जाओ, हमारे पास है 4, ठीक है, 4 है 2 का लेफ्ट, तो इसका राइट देखेंगे, तो राइट है 5, फिर इसका रूट क्या है 2 है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला हो गया। अब इसका 1 का राइट वाला बचा 3, और लास्ट में ये 1 चला जाएगा, ऐसे विजिट करना है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास हो गया लेविल ऑर्डर। तो लेविल ऑर्डर में हमारे पास लेविल, ये पहला लेविल है, ये दूसरा लेविल है, ये तीसरा लेविल है। पहले लेविल पे हमारे पास कितने हैं, क्या है 1, दूसरे लेविल पे क्या है हमारे पास 2 और 3, लेफ्ट टू राइट जाना है इसमें भी, फिर है हमारे पास 4 और 5, ये हमारे पास आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेवल ऑर्डर में। तो ये हमारे पास सारे ऑर्डर बन गए हैं, इस तरह से आप यूज करेंगे, नोट कर लो इसे। चलो बेटा आगे समझते हैं। ये तो हमारे पास नॉर्मल ट्री था, ठीक है, बीएसटी नहीं था, ये हमारे पास नॉर्मल बाइनरी ट्री था। एक तरह से किसी भी बाइनरी ट्री पे आप ऐसे ट्रैवर्सिंग करेंगे। अब हम एक बीएसटी बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया 8, ठीक है, 4, या यहाँ पे वही उसी तरह से बना लेते हैं। हमारा एक 3 था, यहाँ पे हमने शायद 6 बनाया था, 4, 7, ठीक है, इस तरह से है हमारे पास। और यहाँ पे हमने ले लिया 9, और यहाँ पे ले लिया 15, यहाँ पे ले लिया, इस तरह से। ये हमारे पास एक बीएसटी, ठीक है। इस बीएसटी में हमें ट्रेवर्सिंग करनी, जल्दी से आप करके बताएंगे। सबसे पहले इन ऑर्डर क्या होगा, इन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। बताओ भी बेटा, कौन बताएगा सबसे पहले कौन सी नोड आएगी? सर वन वन। इन ऑर्डर में हमारे पास चलेगा लेफ्ट, और फिर चलेगा रूट, रूट राइट, चलेगा राइट। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट में वन। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट में गए 3, 3 के लेफ्ट में गए 1, 1 आ गया। अब लेफ्ट हो गया, इसके लेफ्ट में तो कुछ बचा नहीं, लेफ्ट हो गया तो रूट पे जाना, रूट है हमारे पास 3। अब राइट में जाना, राइट में एक ट्री और मिल गया हमें, तो ट्री मिल गया तो फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में क्या है 4, ठीक है। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसके रूट को देखेंगे, रूट क्या है 6। फिर इसके राइट में जाएंगे, क्या है, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला सारा हो गया, अब ये रूट देखेंगे 8 है। अब इसके राइट में जाएंगे 9, 9 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, ठीक है, लेफ्ट में है नहीं तो हम क्या करेंगे, रूट पे ही चले जाएंगे, भाई लेफ्ट है नहीं तो रूट पे ही लिखो, लेफ्ट के बाद रूट आता है। अब रूट के बाद राइट, राइट में है 15, ये सब ट्री बन गया हमारे पास, तो इसमें लेफ्ट में जाएंगे, क्या है 12, और फिर क्या है 15। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया, आप इस रिजल्ट को देखो, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, क्या पैटर्न है बताओ? सर सॉर्टेड है ये, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर आप बीएसटी कर यूज कर रहे हो, बीएसटी आपके पास एक ट्री है, तो बीएसटी का इन ऑर्डर आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देगा, ठीक है। जो रिजल्ट होगी, ट्रेवर्सिंग होगी, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। BST का इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर देता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका मतलब नॉन डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो अगर हमें किसी ट्री को इंक्रीजिंग सॉर्टेड करना है, उसकी वैल्यू को सॉर्ट करना, ट्री की हेल्प से हम वैल्यू को सॉर्ट भी कर देते हैं, तो अगर बीएसटी दिया हुआ उसका इन ऑर्डर कर दो तो सॉर्ट हो जाएगा वो हमारे पास, ठीक है। तो ये यूज हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन ऑर्डर का मेन यूज क्या है, इन ऑर्डर का मेन यूज होता है कि हम जो वैल्यूज हैं ट्री को उनको सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम दूसरा समझते हैं, इसमें प्री ऑर्डर के बारे में। ये ट्री ले लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है इसकी, 8, 3, 1, 4, 6, 7, 9, 15 और 12, ठीक है बेटा। ये हमारे पास वैल्यू है, हम इसमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्री ऑर्डर का, ठीक है। प्री ऑर्डर होता है हमारे पास, पहले रूट आता है, उसके बाद लेफ्ट आता है,
उसके बाद राइट आता है। तो जो प्री ऑर्डर ट्रवर्सिंग होती है, प्री ऑर्डर ये यूज करी जाती है यूज टू क्रिएट द कॉपी ऑफ द ट्री। ठीक है, ये ट्री की कॉपी कर देती है। मतलब अगर एक ट्री को हमें दूसरी जगह लेके जाना कहीं पे, तो प्री ऑर्डर की हेल्प से आप कर सकते हो। ये जो है और, ठीक है, टू फाइंड द प्रीफिक्स। पोलिश नोटेशन पढ़े ना, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, तो प्री ऑर्डर प्रीफिक्स नोटेशन देता है। ठीक है, टू फाइंड द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, किसी ट्री का जो है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालना। तो अब इसका हमें प्रीफिक्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें रूट लिखना है। रूट इसका क्या है, एट है, तो एट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद रूट के बाद हमें जाना होता है लेफ्ट में। लेफ्ट में थ्री है, तो ये भी हमारे पास सब ट्री बन रहा, तो ये रूट ही है उसका, थ्री आ जाएगा। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब हम राइट में जाते हैं, राइट में ये सब ट्री बन गया, तो सब ट्री का पहले रूट लेंगे फोर, और फिर उसका लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जाएंगे अब राइट में। राइट में हमारे पास पहले रूट आएगा, और रूट आने के बाद फिर लेफ्ट वाला है नहीं इसमें कुछ, राइट वाला आ जाएगा 15। 15 रूट बन रहा, उसके बाद ये आएगा, तो 15 और 12, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये बेटा हमारे पास, अगर आप इसका जो असेंडिंग ऑर्डर आया था, या हमारे पास जो ये क्रिएट करा गया था जिस तरीके से, उसको देखेंगे तो ये प्री ऑर्डर देता है। ठीक है, ये प्रीफिक्स बना देता है। तो जब हम प्रीफिक्स निकालते हैं किसी भी, अगर हमारे पास ये तो नॉर्मल ट्री दिया हुआ, अगर एक्सप्रेशन ट्री होता है, यानी जिसमें ऑपरेटर वगैरह भी अगर लिखे होते हैं, तो उस एक्सप्रेशन ट्री का प्रीफिक्स निकाल सकते हैं हम प्री ऑर्डर से। ऐसे ही अगर आप बात करते हो पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर ट्री को डिलीट करने के लिए यूज कराता है। कि डिलीट हम किस तरीके से करेंगे, पहले कौन सी नोड डिलीट होनी चाहिए, अगर ये पता करना है तो हम पोस्ट ऑर्डर कर दो, पहले कौन सी डिलीट होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी। तो अगर उस तरह से हमें यूज करना, तो हम पोस्ट ऑर्डर से कर सकते हैं, और ये पोस्ट फिक्स नोटेशन भी देता है। ठीक है, तो ये जो है यूज टू डिलीट the tree and find the postfix expression of an expression tree। ठीक है, इसलिए हम postfix का यूज, पोस्ट ऑर्डर का यूज करते हैं। बताओ, ये तो इसका हो गया प्री ऑर्डर। ठीक है, अगर हमें इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट। सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, कुछ वन सर, वन। पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। राइट रूट, लेफ्ट जो है हमारे पास लेफ्ट आएगा पहले, फिर राइट आएगा, और उसके बाद हम रूट लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है, वन। ठीक है, फिर सिक्स, सिक्स, हाँ, इसके सेवन जाएंगे सब ट्री, तो इसका लेफ्ट सेवन, फोर फोर, थ्री, अच्छा ट्वेल्व, इसके राइट में गए नाइन आया, लेकिन ये सब ट्री और बन रहा, तो पहले लेफ्ट होना था, लेफ्ट तो है नहीं, तो राइट में जाएंगे, राइट में ये है, तो राइट के भी इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, फिर सब ट्री ट्वेल्व, 15, 9 और 8। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, नोट कर लो इसको। देखो, अगर आपको ट्री दिया होता है, ट्री से तो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर कोई सभी आप इजीली बनाई लोगे। ये तो रीड करना आपको आ ही गया होगा, लेफ्ट राइट वगैरह ये सब चीज देख के हमें करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब ये दे दिया,
ठीक है, और इससे आपको ट्री बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। उसके लिए पहले कुछ क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको बताना है कि हमारे पास अगर पेयर लिख रहा हूं मैं कुछ, जैसे एक है प्री ऑर्डर और एक है इन ऑर्डर, दूसरा पेयर है हमारे पास प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तीसरा पेयर है हमारे पास इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, एक है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर के साथ हमने पोस्ट ऑर्डर भी ले लिया, इन ऑर्डर के साथ एक हम ले लेते हैं इन ऑर्डर और लेविल ऑर्डर, ठीक है, फिफ्थ हम पेयर ले लेते हैं पोस्ट ऑर्डर एंड लेविल ऑर्डर, सिक्स हम ले लेते हैं पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर ले लेते हैं प्री ऑर्डर एंड लेबल ऑर्डर, ठीक है। चलो बेटा, अब अगर हमको मतलब ये ऑर्डर दे दिए, ठीक है, जैसे अभी हमने ऑर्डर निकाले थे, इस बार हमें ऑर्डर दे दिए हैं और आपसे पूछा गया कि आप ट्री बनाओ, ठीक है, तो देखो अगर कोई भी ऑर्डर आपको दे दिया जाए आप ट्री बना सकते हो, लेकिन यूनिक ट्री बनाना, यूनिक का मतलब बिल्कुल वही आना चाहिए, मल्टीपल नहीं बनने चाहिए कि ऐसा भी बन सकता है ऐसा बन सकता है, तो आपको यूनिक ट्री बनाना है, ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर उसके लिए होना चाहिए, ठीक है, टू क्रिएट ए यूनिक ट्री, ठीक है, विच ऑर्डर इज यूज्ड, कौन सा ऑर्डर होगा बताओ, तो बताएगा सर इन ऑर्डर जरूरी होता है, मतलब किसी का भी कॉम्बिनेशन हो उसमें इन होना चाहिए। अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यूनिकली क्रिएट करना कोई ट्री इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तो जो इन ऑर्डर है वो मस्ट है, इन ऑर्डर हमारे पास मस्ट है, और प्लस इसके साथ कोई भी एनी ऑर्डर, इसके साथ कोई भी ऑर्डर, तो इससे इसमें हम किस किस से बना सकते हैं, प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर आ रहा तो इससे बन जाएगा, इसमें प्री और पोस्ट है इससे यूनिक नहीं बनेगा, ठीक है, बाय चांस किसी का बन जाए तो बात अलग है, लेकिन मल्टीपल ट्री भी बन सकते हैं, इनसे हमेशा यूनिक बनेगा, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ बन जाएगा, इन ऑर्डर लेविल ऑर्डर बना बन जाएगा, प्री ऑर्डर लेविल ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर लेविल ऑर्डर है, इनसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो अगर हमें यूनिक ट्री बनाना तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर आपको दिए हुए हैं, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें कि आपको दो ऑर्डर दे दिए और तीसरा पूछ लिया क्या होगा, तो तीसरा ऑर्डर आप तभी निकाल सकते हो जब आप ट्री बना लोगे, ट्री से तो फिर कैसा भी ऑर्डर निकाल लो, ठीक है, ट्री बना हुआ है, तो जैसे अगर हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो पोस्ट ऑर्डर आप कैसे फाइंड करोगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, एक ट्री है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है इन ऑर्डर, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत कॉमन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन ऑर्डर है हमारे पास D, B, E, A, F, C, Z और एक हमारे पास दिया हुआ है प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर दिया हुआ है A, B, D, E, C, F, Z, ठीक है, तो आपको इसका फाइंड करना है, पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है क्या हो?
पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनाना, जब भी हमें यहाँ पे कहा इन ऑर्डर मस्ट होना चाहिए, तो ये हमारे पास है, तो इसका सबसे मेन रोल होना है यहाँ पर। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर हमारे पास होता है पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है और फिर राइट आता है। और प्री ऑर्डर में पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है, ये होते हैं बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत आप जो है प्री ऑर्डर से करेंगे। अगर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर आपको दिए हुए हैं तो सबसे ही आसान है बनाना, ठीक है, ट्री बनाना सबसे आसान है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर होने पर। क्यों? प्री ऑर्डर से आपको पता है कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही रूट होगा पूरे ट्री का। तो ए जो है वो हमारे पास रूट है, तो ए बना दो सबसे पहले, ये बन गया। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इस ए को इन ऑर्डर में फाइंड करेंगे, क्योंकि इन ऑर्डर में रूट बीच में होगा। तो ये ए है, रूट बीच में, तो इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री बनेगा और राइट साइड में राइट सब ट्री बनेगा। तो इसका मतलब ये है, ये वाली सारी वैल्यू डी बी ई लेफ्ट में जाएंगी और एफ सी जी राइट में जाएगी। अब इनमें से कौन सा इस सब ट्री का रूट बनेगा वो हमें देखना, कि डी बी ई में कौन रूट होगा। तो कैसे पता चलेगा, रूट होता है पहले प्री ऑर्डर में, देख लो डी बी ई में से कौन पहले आ रहा, जो पहले होगा वही रूट होगा। तो कौन सा पहले आ रहा, बी, तो इसका मतलब बी इसका रूट है, ठीक है। पहले लेफ्ट सब ट्री को सोल्व करेंगे हम। इस लेफ्ट सब ट्री में जितने हैं यही क्वेश्चन समझ लो आप अपना, यही क्वेश्चन है। अब इसमें से जो भी सबसे पहले आ रहा प्री ऑर्डर में वही रूट होगा। अब इसको इन ऑर्डर में ढूंढो, कहाँ है इन ऑर्डर में, ये है, इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट में भेज दो, राइट वाला राइट में भेज दो, ये बन गया। अब राइट सब ट्री में भी सेम यही करना, एफ सी जी में को चेक करो, एफ सी जी में कौन सा सबसे पहले आ रहा प्री ऑर्डर में। तो एफ सी जी में सी सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे ये सी है जो सबसे पहले आ रहा, तो सी सबसे पहले आ रहा, तो भाई सी को रूट बना दो। अब सी को यहाँ पे देख लो कहाँ है, सी के यहाँ पर है, ये हमारे पास रूट हो गया। इसके लेफ्ट में एफ जाना है और राइट में जी जाना है, तो ये हमारे पास ट्री बन गया है। अब ट्री बन गया तो आप इसका पोस्ट ऑर्डर भी लिख सकते हो बेटा आप। तो पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर जो होता है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है लेफ्ट, उसके बाद लिखा जाता है राइट, और राइट के बाद लिखा जाता है रूट, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा सबसे पहले, डी, डी, उसके बाद ई, ई, फिर बी, बी, एफ, एफ, जी सी ए, जी सी सर, हाँ बेटा सर, इन ऑर्डर यहाँ पर असेंडिंग में नहीं होगा, BST थोड़ी बोला हमने, हमने ट्री बोला, केवल एक ट्री दिया हुआ है, ट्री का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया, BST में होता है वो तो असेंडिंग में, नोट कर लो जी सर। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास प्री ऑर्डर दिया हुआ है, प्री ऑर्डर में मान लिया हमारे पास है ए बी D E F C G H J L K, ये प्री ऑर्डर है। एक हमारे पास है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है बेटा D B F E A G C L J एच के, ठीक है। प्री और पोस्ट से, तो पोस्ट को बाद में देखेंगे, पहले इसको इन कर लो, चलो इन प्री और इन वाला देखेंगे, फिर पोस्ट का बाद में देखेंगे, ठीक
इस तरह से मान लिया हमारे पास प्री हो गया, ये इन ऑर्डर में वो प्री। तो अब हम यहाँ पे इसका ट्री बनाएंगे जो अभी हमने किया उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास रूट देखेंगे, रूट सबसे पहले आएगा, कौन सा बनेगा रूट इसमें? सर ए, प्री ऑर्डर में रूट पता चलेगा, ठीक है। तो रूट हमारे पास इसका क्या है, ए हो जाएगा। यहाँ पे प्री ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे रूट सबसे पहले लिखा होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। और जो इन ऑर्डर होगा इसमें हमारे पास होगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा, रूट होगा और फिर राइट होगा। इन ऑर्डर तो हमारे पास जरूर होना चाहिए, तो एक इन ऑर्डर ले लिया, एक प्री ऑर्डर, सबसे बेस्ट हो गया, सबसे आसान तरीका। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट देखा, रूट है हमारे पास ए, तो ए लिख लो आप, ठीक है। अब ए को इसमें ढूंढो, इनमें प्री में आपने यहाँ पे देख लिया ए है यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है, तो लेफ्ट में ले जाओ आप डी को, बी को, एफ और ई को, राइट में आ जाएंगे जी सी एल जे एच के, ठीक है, ये आ गए। अब डी बी एफ ई में से बेटा कौन सबसे पहले आ रहा प्री में वो देखो, कौन आ रहा सबसे पहले, बी, तो बी सबसे पहले, तो इसका मतलब बी आपका रूट बनना है, ये बी को आप रूट बना दो। इसके लेफ्ट में क्या रह गया डी, और राइट में क्या हो गया इसके एफ और ई। अब एफ और ई में से देख लो कौन सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पर F और E में से कौन पहले है, E पहले है, ठीक है, ये E है ना बेटा, यहाँ पर E पहले है F से, तो E हमारे पास रूट बनेगा, ये E रूट बन गया। F इससे पहले है या बाद में है, पहले है, तो पहले है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, F तो ये लेफ्ट सब ट्री बन गया। अब राइट वाले में आ जाते हैं, इसमें से देखो कौन सी चीज सबसे पहले आ रही है ऊपर वाले में, कौन सी आ रही है सबसे पहले बताओ सुमन, सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसमें जी? सर सबसे पहले जी आ रहा है, जी आ रहा है, देखना इसमें प्री ऑर्डर में देखो सी आ रहा है, क्या आ रहा है ना ये, तो सी हमारा क्या बनेगा, रूट बनेगा, नोट नोट, तो सी को रूट बनाया, सी के लेफ्ट में क्या है जी, ये लेफ्ट सी आएगा और राइट, ये तो अकेला ही है तो यही बन गया, और राइट में एल जे एच के। अब एल जे एच के में से यहाँ पे देखो कौन सी चीज पहले आ रही है, कौन सी है पहले, एच, एच, एच को रूट बनाना है, यहाँ पर एच को रूट बनाया, एल जे इसके लेफ्ट में जाएंगे और के इसके राइट में जाएंगे। एल जे में से कौन सा रूट बनेगा, जे, जे पहले है, तो जे हमारे पास रूट बनेगा। एल लेफ्ट में जाएगा राइट में, लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में है एल, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो ट्री बन के आया वो ये बना कि ए यहाँ पर है, फिर बी, इसके बाद सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, फिर यहाँ एफ, इसके बाद इधर जी है, यहाँ पे एच है, और एल जे, तो पहले ये जे है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे के है, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसका पोस्ट ऑर्डर बता दो क्या बनेगा, पोस्ट ऑर्डर क्या बनेगा, देखो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हमें लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट, फिर राइट, और लास्ट में रूट लिखना है, रूट लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में है हमारे पास डी, ठीक है, तो डी आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद राइट, यहाँ पे ई है तो ई के लेफ्ट में है एफ, ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा उसके बाद, ई, क्या
ई आएगा सर, राइट नहीं है क्योंकि, राइट नहीं है तो ई आ जाएगा, फिर बी आएगा, बी हो गया, लेफ्ट वाला सारा कंप्लीट हो गया, अब राइट सब ट्री में चलेंगे सी की तरफ। सी का लेफ्ट क्या है? जी जी, तो यहाँ पे जी आ गया। फिर सी का राइट में एच है, तो इसमें भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट में एल है, एल जे हमारे पास, जे है? फिर के राइट में है के, एच फिर सी और लास्ट में ए। तो ये हमारे पास इसका पोस्ट ऑर्डर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर की हेल्प से पोस्ट ऑर्डर। ट्री क्रिएट करेंगे, ट्री क्रिएट करके निकल जाएगा फिर आपका, नोट कर लो। तो इनका और प्री का समझ में आ गया। अब हमें, हमारे पास तीन तरीके थे कि या तो आप इनके साथ प्री ले लो, या तो इनके साथ पोस्ट ले लो, या इनके साथ लेवल ले लो। लेवल में तो वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्ट भी बना दोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर इनके साथ आप पोस्ट को ले लो, ठीक है, तो कैसे बनेगा। अभी तो हमने प्री और इनकी हेल्प से करा, अगर आप जो है पोस्ट और इन दिए हो तो कैसे बनाएंगे वो समझे। सर इसमें जैसे ये डी एफ ई बी दिया है, इसका सीक्वेंस अगर चेंज हो जाएगा तो करेक्ट होगा वो? कौन से का सीक्वेंस? जैसे आपने डी एफ ई बी जी एल ये है, हाँ, अगर मान लो डी ई एफ कर दिया उसको सीक्वेंस को, हाँ, तो वो फिर गलत हो जाएगा वो? हाँ, गलत हो जाएगा। सीक्वेंस इसी में होने चाहिए, यही ऑर्डर आएगा। चलो नोट कर लिया बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार बोल दो, ठीक है। सुमन का माइक्रोफोन ऑन है, क्या क्या था इसका इन ऑर्डर बोलो, क्या था इन ऑर्डर सर? डी डी बी बी एफ ई बोलते रहो तुम से, ए जी सी जी सी एल जे एच के एच के। अच्छा, और पोस्ट क्या बना था हमारे पास? डी एफ ई डी एफ ई बी जी एल बी जी एल जे के एच सी बचा, ठीक है, ये हमारे पास था। अब इन दोनों की हेल्प से हम बनाएंगे ट्री कैसे बनेगा। देखो तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर को देखो, जैसे वहां पे प्री में देख रहे थे कि रूट पहले था, यहाँ पे रूट बाद में होगा। तो ये होता है लेफ्ट राइट और रूट, तो इसका मतलब रूट सबसे बाद में है, ये रूट है आपका। यहाँ पे आपको पता ही है लेफ्ट होगा और रूट बीच में होगा और फिर राइट होगा, तो मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है रूट। तो ए को रूट बनाया आपने, इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो लेफ्ट वाला है डी बी एफ ई और राइट में है जी। देखो आपको कोई सा भी ऑर्डर दिया हो, ट्री तो यूनिक ही बनेगा, क्योंकि इनसे इन ऑर्डर हो, इन ऑर्डर के साथ प्री हो या पोस्ट हो, यूनिक ट्री बनना है। तो जो उसमें बना था ट्री सेम यहीं पे बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्री अलग बन जाएगा। तो अब ये हो गया बनाने का तरीका, बस देखना हमें कैसे बनना है। यहाँ पे तो सेम क्वेश्चन है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि इजीली कैसे बन जाएगा, याद ही हो गया पिछले में। लेकिन अगर अलग भी क्वेश्चन आए तो आपको किस पैटर्न से क्या फॉलो करनी स्टेप, वो हमें समझना है। तो अब ये वाला बच गया, तो पोस्ट में देखेंगे इनमें सबसे बाद में कौन सा है। अब के बाद वाला देखना, सबसे बाद में डी बी एफ ई में कौन सा है। सबसे बाद में देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, डी एफ ई बी यही वाले हैं लेफ्ट में, तो जो सबसे बाद में है वो देखना। अब जो सबसे बाद में है वही हमारा रूट बनेगा, ठीक है। अब ये जो सबसे बाद में, इसको यहाँ पे सर्च करो इन ऑर्डर में, इसके लेफ्ट वाले लेफ्ट में ले जाओ और राइट वाले राइट में ले जाओ, एफ और ई।
ठीक है, बस प्री ऑर्डर में पहले वाला देखना था सबसे पहले वाला कौन सा, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे बाद वाला देखना है। इनमें तो वही होना जो पहले हो रहा था। अब हमारे पास एफ और ई है, एफ और ई में बाद में कौन सा आ रहा, पोस्ट में वो देखो, एफ और ई ये है बाद में ई है हमारे पास, तो ई को रूट बना दो। रूट बना दिया, अब इसमें से एफ और ई में से ये है हमारे पास, ठीक है, इनमें एफ और ई में से कौन सा पहले आ रहा बेटा, एफ पहले आ रहा, तो पहले आ रहा तो मतलब पहले लेफ्ट में आता है, रूट से पहले लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अब इसमें आ जाओ जी सी एल जे एच के में, सबसे बाद में कौन सा, सबसे बाद में है सी, तो सी हमारा यहाँ पे रूट बन गया। सी के लेफ्ट में जी जाना है तो जी लेफ्ट में चला गया, राइट में बाकी बचे हुए हमारे पास एल जे एच के चले गए। एल जे एच के में देखो सबसे लास्ट में है एच, तो सबसे लास्ट में एच है तो एच को रूट बनाया, इसके लेफ्ट में ये एच यहाँ पे आ गया, लेफ्ट में एल जे हो गई और राइट में के हो गया। ठीक है, तो इनमें जो है बाद में कौन सा, एल जे में से बाद में है जे, तो जे हमारे पास रूट बन गया, और जे के लेफ्ट में एल है तो ये लेफ्ट में चला गया। सेम उसी तरह का ट्री बन गया। अब इस ट्री का हम प्री ऑर्डर निकाल लेंगे, तो ट्री का प्री ऑर्डर मतलब पहले हमें लिखना है रूट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। ठीक है, तो रूट है हमारे पास ए, ए के लेफ्ट में गए बी, बी के लेफ्ट में गए डी, ए बी डी बन गया। अब रूट के बाद लेफ्ट हो गया हमारा, ये लेफ्ट के बाद राइट में जाएंगे, ये है रूट ई, ई के लेफ्ट में है एफ, फिर इसके बाद हमारे पास इस राइट वाले साइड में आ जाओ, राइट में पहले रूट लेना सी, उसके लेफ्ट वाला है जी, राइट वाला है एच, एच के लेफ्ट वाला है जे, जे के लेफ्ट वाला है एल और बाद में के, तो ये हमारे पास आंसर। देख लो आप पिछले क्वेश्चन में हमने प्री ऑर्डर जो लिखा था यही लिखा था क्या, मैच हो गया होगा वही सेम। चलो बेटा, अब देखो हमने यहाँ पे बात करी थी कि इन ऑर्डर होना मैंडेटरी है यूनिक ट्री के लिए, अगर आप प्री और पोस्ट से बनाने लगे तो एक से ज्यादा ट्री बन सकते हैं, ठीक है, यूनिक नहीं बनेगा। इनमें आपको अगर इन और पोस्ट या इन और प्री लोगे तो यही ट्री आ रहा दोनों बार, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम प्री और पोस्ट कर देते हैं, एक प्री ऑर्डर ले लिया हमने और एक पोस्ट ऑर्डर ले लिया, तो उससे हम कैसे बनाएंगे ट्री, तो उससे यूनिक ट्री नहीं बनेगा। यूनिक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, कैसे वो समझते हैं। बोलो बेटा प्री ऑर्डर क्या आया था, अभी बोलना इसके प्री ऑर्डर की, ए बी ए बी डी ई एफ डी ई एफ सी जी एच बी जी सी एच जे एल के सर जे एल के एफ एफ के बाद सी है, बी नहीं है। के बाद, अच्छा सी, ये हमारे पास प्री ऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर डी एफ ई डी एफ ई बी जी हाँ एल जे के एच एल जे के एच सी ए ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि हमें अगर आपसे कहा जाए कि इसका ट्री बनाओ और इन ऑर्डर निकालो तो कैसे करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर हमने क्या बेटा, सॉरी सर, वो बच्चे ने माइक ऑन कर दिया। ये यहाँ पर होगा रूट पहले होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, और उसके बाद रूट बनेगा, ये है बेटा।
अब देखो प्री ऑर्डर ले लो या पोस्ट ऑर्डर ले लो, कोई सा भी ले लो आपकी मर्जी। प्री ऑर्डर में सबसे पहले वाला रूट है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला रूट है। तो उस रूट तो हमारे पास ए बन गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास लेफ्ट में क्या जाएगा और राइट में क्या जाएगा, ये हमें चेक करना है। तो देखो हमारे पास जो प्री ऑर्डर होता है उसके फौरन बाद जो होता है वो लेफ्ट में जाता है। उसके फौरन बाद जो होगा, रूट के बाद क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए के बाद में क्या है, बी है, तो ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला होता है वो लेफ्ट में जाएगा, तो ये बी हमारे पास लेफ्ट में जाएगा। बी के साथ और कौन कौन से लेफ्ट में आएंगे, तो आप देखो बी जो लेफ्ट में होगा वो रूट बनेगा ना, लेफ्ट सब ट्री का रूट होगा। जो प्री ऑर्डर में जो मेन ट्री के लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट सब ट्री का रूट होता है, तो इसका मतलब ये रूट होगा। और रूट आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले आता है और यहाँ पे सबसे बाद में आएगा, तो मतलब यहाँ पर आप देख लो ये बी कहाँ है, ये है, तो ये सबसे बाद में, तो मतलब ये सारा लेफ्ट में है, ये लेफ्ट के सबसे बाद में ये बना, तो मतलब आपके पास यहाँ तक का लेफ्ट हो गया, डी एफ ई और बी, ये लेफ्ट बन गए, ठीक है। और बाकी जो बची हुई चीज रह गई वो राइट में चली गई। बाकी बची हुई क्या रह गई आपके पास, जी एल जे के एच और सी। अब जे जी एल एच के सी में जो यहाँ पे सबसे बाद में आ रही या यहाँ सबसे पहले आ रही वो रूट होगी, तो सी आ रही है, सी को ले लिया, ठीक है। ये हमें पता चल गया यहाँ तक। अब इसके बाद बेटा ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे बी रूट हो गया, अब इसके लेफ्ट में क्या जाएगा वो हम देखेंगे। तो देखो जो हमारे पास रूट होता है उसके जस्ट अगले वाला लेफ्ट होता है प्री ऑर्डर में, तो इसका मतलब डी जो है वो लेफ्ट में जाना है। तो डी को जब हम यहाँ पे लेफ्ट में पहुंचा देंगे, यहाँ पे डी, डी के साथ और कौन सा लेफ्ट में आएगा, डी सबसे बाद में होना चाहिए पोस्ट ऑर्डर में, तो सबसे बाद में, तो इससे पहले तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अकेला ही आएगा यहाँ पे, तो बाकी सारे राइट में पहुंचा दो। एफ और ई को राइट में कर दिया। अब एफ और ई में से देखो कौन सा रूट बनेगा, तो एफ और ई में से हमें देखना है कौन सा रूट बनेगा। तो कैसे देखेंगे कौन सा रूट बनेगा एफ और ई में से, तो ये तो यहाँ पे है नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। ऐसे आप ट्री में देख सकते हो कि ये लेफ्ट रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। अब राइट में एफ आएगा पहले या ई आएगा, ठीक है। तो देखो प्री ऑर्डर में देखो रूट है, रूट के बाद लेफ्ट होता है, लेफ्ट के बाद राइट आता है, तो ई है और ई के बाद एफ है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, जब हम मान लिया हमने एक ट्री ऐसे बनाया है कि जिसमें लिखा हुआ है ऐसे, ये है हमारे पास कि एक हमने लिख दिया एफ और उसके लेफ्ट में हमने कर दिया ई, ठीक है। तो इसको अगर मैं ट्रेवर्सिंग करूंगा, ठीक है, प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर की ट्रेवर्सिंग में क्या आएगा बेटा इसका बताओ। पहले एफ आएगा, फिर ई आएगा, ये हाँ आएगा सर, ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एफ लिख दूं और फिर ई लिख दूं, तो क्या आएगा प्री ऑर्डर में, ऐसे ही एफ आएगा ई सर। आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम ही आना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ई है और इसके लेफ्ट में एफ है, तो इसका क्या आएगा, ई एफ। और हमारे पास मैं ऐसे कर दूँ, ई और राइट में एफ है, तो इसका भी ई एफ आएगा। तो ये तो हमें पता चल रहा कि जो हमारे पास प्री ऑर्डर में जो पहले है वो रूट बनेगा। रूट वो होता है जो पहले, अगर एफ पहले है तो वो रूट होगा, ई पहले है तो ई रूट होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ई पहले है तो ई को रूट बनाना। अब ये एफ किधर होगा, एफ लेफ्ट में कर लो या राइट में कर लो, दोनों से आंसर आएगा आपका, ठीक है। दोनों से आंसर आएगा, ये कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसीलिए जो है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से आप यूनिक नहीं बना सकते। आप अगर एफ को लेफ्ट में रख दोगे तब भी सही है, राइट में रख दोगे तब भी सही है, ठीक
ठीक है, तो मल्टीपल ट्री यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो आपके पास ये यहाँ पे एफ जो है लेफ्ट में भी जा सकता है, एफ जो है यहाँ पे डॉटेड करके मैंने लिख दिया राइट में भी जा सकता है, ठीक है, तो इधर भी बना सकते हो आप। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बन गए, राइट वाले सब ट्री में देखते हैं। राइट वाले में यहाँ पे सी सबसे बाद में था, तो सी हमारे पास रूट बना है। अब जो बाकी बचे उनमें से देखेंगे लेफ्ट कौन सा, तो सी के फौरन बाद जो आ रहा है वो लेफ्ट में है, सी है ये, सी के फौरन बाद है जी, तो जी जो है लेफ्ट में जाएगा। अब इसमें देख लेंगे जी से पहले जी तक के सारे लेफ्ट में होंगे, खाली जी है वो तो अकेला ही रहेगा, मतलब ये ठीक है, बाकी सारे राइट में, यानी एल जे के और एच राइट में। अब एल जे के एच में सबसे लास्ट में है एच, तो एच रूट बन गया। अब इसके लेफ्ट में कौन जाएगा, इसके लेफ्ट में देख लो एच के फौरन बाद कौन आ रहा है, जे, तो जे हमारे पास लेफ्ट में जाना, जे के साथ और कौन जाएगा, जे से पहले जितने भी वो सब, एल है इससे पहले, तो जे से पहले एल लेफ्ट में, और राइट में इसके रहेगा अकेला के, ठीक है। अब इनमें से जे और एल है, जे और एल में से पहले कौन सा आ रहा, जे आ रहा, तो जे तो बन जाएगा बेटा आपका रूट। अब ये एल लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, ठीक है, वही वाली कंडीशन बन गई इसमें भी, जैसे ई एफ में बनी थी, ये लेफ्ट में बना लो तब भी आ जाएगा, राइट में बना लो तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो एल जो है हमारे पास लेफ्ट में भी हो सकता है, एल जो है हमारे पास राइट में भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई सा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ट्री क्रिएट हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से यूनिक नहीं बना सकते, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि बन जाए तो बन जाए, लेकिन मल्टीपल भी बनेंगे, तो यूनिक बनाने के लिए इन ऑर्डर का होना नोट कर लिया बेटा, जी सर। चलो अब आप ये बताओ कि हमारे पास कौन सा ट्रवर्सल जो है बीएफएस को डिनोट करता है, विच ट्रवर्सल डिनोट बीएफएस बेस्ट फर्स्ट सर्विस या यूज करता है पीएफएस का, बताओ कौन सा करता है, लेवल ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, ठीक है। क्यू जो है कौन से ऑर्डर को यूज करती है, क्यू यूज विच ट्रवर्सल, कौन से को करेगी, पीएफएस, पीएफएस, BFS करती है, BFS कौन से ऑर्डर में होता है, लेवल ऑर्डर, Q में भी लेवल ऑर्डर यूज होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है हमारे पास बनाया गया है क्रिएट यूजिंग सॉर्टेड एरे से, सॉर्टेड एरे के थ्रू हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया, ठीक है, तो हम कौन सा ट्रवर्सल यूज करें कि हमारे पास रिजल्ट भी सॉर्टेड आए, विच ट्रवर्सल गिव सॉर्टेड रिजल्ट, बताओ। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री नहीं लिखा मैंने, सीबीटी लिखा, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री सॉर्टेड एरे से बनाया गया है, तो अब ट्री का कौन सा ट्रवर्सल यूज करोगे कि रिजल्ट भी सॉर्टेड ही आए, सर लेवल, लेवल ऑर्डर।
बिल्कुल सही। देखो जैसे हमारे पास मान लिया 3, 5, 8, 9, 15, ये हमारे पास सॉर्टेड एरे एक दिया हुआ है। इससे अगर आप कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाओगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको कल पढ़ाया था, उसमें क्या होता है लेवल बाय लेवल ही काम करता है कि सारे लेवल फुल होने चाहिए और लेफ्ट टू राइट फिल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले लेवल ये हो गया, दूसरे लेवल में यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ऐसे बनता है कंप्लीट। अब इसकी ट्रेवर्सिंग अगर आप लेवल ऑर्डर पे ही कर दोगे तो लेवल ऑर्डर पे ही हमारे पास वही आएगी 3, 5, 8, 9, 15। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेवल ऑर्डर सॉर्टेड देता है अगर सॉर्टेड बना हुआ है, सॉर्टेड एरे से ही कंप्लीट बाइनरी ट्री बना, नहीं तो बीएसटी में तो इन ऑर्डर कर दो कैसे भी बना हो बीएसटी। ठीक है, तो वो तो इन ऑर्डर से सॉर्टेड देता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर ले।